क्या है कारण जो इस फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट मूवी 8 साल बाद आ रही है? क्या क्रिश 4 होगी इस फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी? आखिर इस फ्रेंचाइजी की हर मूवी में क्या नया दिखाते हैं राकेश रोशन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिशा और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साइंस फिक्शन पर बेस्ड क्रिश फ्रेंचाइजी की मूवीज को सबका इंतजार रहता है। 2013 में राकेश रोशन ने क्रिश 3 के रिलीज होने के बाद क्रिश 4 को भी अनाउंस कर दिया था। लोगों को लगा था कि वे जल्द ही क्रिश 4 को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे, मगर क्रिश 4 के नाम में डिले हो गया। हालांकि अब राकेश रोशन की सेहत में सुधार है और उन्होंने क्रिश 4 की स्क्रिप्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर क्रिश 4 2017 तक रिलीज हो जाती है तो 2020 में क्रिश 5 थिएटर में भी फैंस को देखने को मिलेगी। मगर 2020 में राकेश रोशन ने सिर्फ क्रिश 4 की ही स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया है। क्रिश 4 की शूटिंग 2021 तक स्टार्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि एक्टर ऋतिक रोशन भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी चल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि क्रिश फ्रेंचाइजी की मूवीज के बीच इतना गैप होगा। इससे पहले भी क्रिश मूवीज के लिए फैंस को बहुत दिनों का इंतजार करना पड़ा था। आपको बता दें कि इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी कोई मिल गया साल 2003 में आई थी, जिसके बाद फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी क्रिश 2006 में रिलीज हुई थी। वहीं क्रिश फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म को आने में 7 साल लग गए। जी हाँ, तीसरी मूवी क्रिश 3 साल 2013 में आई। सुपर हीरो की मूवी के लिए फैंस को जितना भी इंतजार करना पड़ा, उनको उतना ही अच्छा रिजल्ट भी स्क्रीन पर देखने को मिला। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म में लोगों ने एलियन जादू की स्टोरी का मजा लिया, मगर क्लाइमैक्स में ये भी दिखा गया कि जादू अपने प्लैनेट वापस चला जाता है और उसी के साथ रोहित मेहरा की शक्तियाँ को भी जादू ले जाता है। इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म के आने से पहले लोगों ने सोचा था कि हो सकता है जादू की वापसी हो और रोहित को वापस अपनी शक्ति दे, मगर राकेश रोशन इसे भी बेस्ट स्टोरी के साथ लौटे। इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म के सुपर हीरो क्रिश को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके पास जादू की ही पावर्स होती हैं, और साथ ही बताया गया कि जादू रोहित को मेंटली ठीक भी कर देता है। क्रिश 3 में राकेश रोशन ने नए विलन्स भी इंट्रोड्यूस किए, जिसे फैंस ने पसंद किया। फिल्म को आने में पहले बहुत टाइम लगा हो, मगर हर बार राकेश रोशन ने फिल्म में कुछ नया ही कर दिखाया। अब लोगों को क्रिश 4 में भी कुछ देखने की उम्मीद है, जिसके बाद तो क्रिश 5 कंफर्म है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये कहानी गुप्ता ने। धन्यवाद।